कह रहे हैं कि दोनों के दोनों लीडरशिप की और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी, ठीक है सुरेश रोड़ जी, एक तो चुनाव चल रहा था, चुनाव के बीच में बहुत सारी चीजें थी, नशे को लेकर के तो हम लोग लगातार सुनते रहे, आप लोग बराबर कैंपेन करते रहे कि हरियाणा नशे के गर्त में जा रहा है, हम उसको इससे बाहर निकालेंगे, लेकिन आज जो बात हुई वो तो बिल्कुल विपरीत होती हुई दिख रही है, इसको कैसे देखा जाए सुरेश जी? अतुल जी, मैं भी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता को सुन रहा था, इन्होंने केंद्र का जिक्र किया, मैं केंद्र सरकार समझ रहा था, लेकिन यह हमारे कांग्रेस पार्टी के हाईकमान को कहना चाह रही, लेकिन इनके मुंह से जो शब्द निकला वो बिल्कुल केंद्र सरकार ही है। दिल्ली में इतनी बड़ी नशे की अगर खेप पकड़ी गई तो ये माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार की एजेंसियों की ढील है। कोई व्यक्ति सिर्फ पकड़ी नहीं होती, ये कहां की बात कर रहे हैं आप? पकड़ी गई है, ड्यूटी सरकार की होती है और किसी भी संविधान में नहीं लिखा, ना नरेंद्र मोदी जी ने जिस दिन शपथ ली उस दिन ये उन्होंने शपथ में नहीं लिखा कि कोई व्यक्ति अगर किसी अन्य दल से जुड़ा हुआ होगा तो उस पर उनका कानून लागू नहीं होगा। सरकार जो लोग चला रहे हैं उनकी ड्यूटी बनती है, हमारे नेता के साथ फोटो हो सकती है, लेकिन जो इन्होंने कहा कि संलिप्तता की बात की इन्होंने, हमारे स्टेट नेताओं की भी और इन्होंने तो हाईकमान के नेताओं की भी बात कही है, इनके पास क्या सबूत है कि संलिप्तता है? क्या ये एजेंसी का आरोप है? ये सिर्फ हरियाणा के दो दिन बाद इस होने जा रहे चुनाव को प्रभावित करने के लिए इस तरीके के गिनोने षड्यंत्र रच रहे हैं। ये फेलियर जो है भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस पार्टी ऐसे लोगों को कभी ना तो सह देती ना भविष्य में देती। लेकिन सुरेश जी, आप ये कहेंगे कि तुषार मेहता जिनका वो जिक्र कर रहे हैं उनका कोई लेना देना इससे नहीं है? बिल्कुल नहीं है। हमारे नेताओं की जो छवि है पूरा प्रदेश जानता है, दीपेंद्र हुड्डा जी की छवि, वो बीजेपी की आईटी सेल नहीं बताएगी, बीजेपी के प्रवक्ताओं की बात से अंदाजा नहीं लगेगा। दीपेंद्र हुड्डा जी की स्वच्छ छवि और तमाम हाई कमान के हमारे नेताओं की फोटो हो सकती है, लेकिन दिस इज द फेलियर ऑफ द सेंटर एंड द बीजेपी गवर्नमेंट। आप कैसे कह सकते हैं कि हमारी इसको सह है? आप कोई सबूत लेके आइएगा, और नहीं तो इसके ऊपर माफी मांगिएगा। हमारे ऊपर ऐसे चुनाव से पहले उंगली उठाना हरियाणा में बीजेपी एजेंसियों ने, अगर उनका उनका नाम दिया है, उनका पूरा डाटा निकाला है, तो कुछ तो संलिप्तता होगी ना एजेंसी, ऐसा तो है नहीं सुरेश जी, आपका नाम नहीं डाल दिया, मेरा नाम नहीं डाला, किसी और का नाम नहीं उसमें रख दिया। अब तुषार मेहता का अगर स्पेसिफिक वो जिक्र कर रहे हैं, उनकी फोटोज को अगर वो दिखा रहे हैं, तो एजेंसी ने भी तो आइडेंटिफाई किया होगा ना। मैं अतुल जी तुषार के बारे में नहीं कह रहा, मैं दीपेंद्र हुड्डा जी के बारे में कह रहा हूँ। अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो सरकार की जिम्मेदारी है, ना कि पार्टी की। आप हम कांग्रेस पार्टी अगर उनकी फेवर में कोई बयान देती है, कांग्रेस पार्टी अगर उनको कोई सह देती है, तो फिर हमें बोलिएगा। कांग्रेस पार्टी ये तो डिफेंड, सुरेश जी ये तो डिफेंड करने वाली बात हो गई ना। मैं बहुत सुरेश जी, मैं बहुत सीधा प्रश्न पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ, मुझे एक बात बताइए, अगर इसी तरह से कोई एक ड्रग डीलर या किसी के ऊपर इसी तरीके का कोई आरोप लग जाए और बीजेपी के किसी बड़े नेता के साथ उसकी फोटो हो, तो आप इसी तरह के तर्क को मान लेंगे अगर नेहा जी देंगी? सही बात है, सही कह रहे हैं आप सुरेश जी, तो मुद्दे को समझ ही नहीं। सुरेश जी मेरे प्रश्न का जवाब दीजिएगा बिल्कुल, इस पूरे घटनाक्रम को मैं बदल देता हूं, बीजेपी के नेता के साथ अगर ऐसी फोटो आ जाए तो आप मान लेंगे? क्योंकि आज तो भूपेंद्र हुड्डा पलटवार करते हुए भी इसी बात को कह रहे थे, उन्होंने एक नेता का नाम लिया कि भाई ऐसी तस्वीर तो भारतीय जनता पार्टी के भी एक नेता के साथ है, तो आप भी तो ऐसा ही बात बता रहे हैं ना, नेता के साथ फोटो होना मतलब उसके साथ संबंध है। बिल्कुल, मैं दावा ये प्रमुखता से यह दावा करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जब तक हमारे नेताओं की संलिप्तता नहीं आती, हमारे ऊपर जो आरोप है वो निराधार है। और यही चीज हम बीजेपी को भी कहते हैं, मैं आश्वासन देता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के साथ किसी अपराधी की फोटो आती है, जब तक उस नेता के साथ उस अपराधी की संलिप्तता साबित ना हो जाए इन्वेस्टिगेशन में, तब तक कोई उंगली उठा नहीं सकता। इनकी तो आरोप तो आप फिर भी लगाएंगे ना सुरेश जी, प्रश्न तो पूछेंगे ना सुरेश जी कि भाई ये सुरेश जी प्रश्न बड़ा सीधा है, एक आरोपी है जिसके ऊपर आरोप है और एक आपके पार्टी के बड़े नेता हैं, अगर उनके साथ फोटो है तो भाई क्या इनके बीच का कनेक्शन है? ये सवाल तो आप भी पूछेंगे, ऐसा तो है नहीं कि आप जाने देंगे, नहीं नहीं आरोप साबित हो जाने दीजिए उसके बाद हम भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाएंगे, ऐसा तो आप नहीं करेंगे। कम से कम आप भी आरोप लगाएंगे कि आप ये फला कोई आरोपी है, इसके साथ आपके नेता की फोटो क्यों है? यही प्रश्न तो बीजेपी भी आपसे पूछ रही है, और वो पार्टी का आपके बाकायदा आरटीआई सेल का एक पदाधिकारी है, इससे भी आप इनकार नहीं कर सकते हैं।
कांग्रेस पार्टी दीपेंद्र हुड्डा जी की कोई सह या कोई संलिप्तता उनके साथ नहीं है। मैं प्रमुखता से इस दावे का द्वारा आपके चैनल के ऊपर रिपीट कर रहा हूं, और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि भारतीय सेना की जासूसी में बीजेपी के कितने पदाधिकारी पकड़े गए। हमने तो नहीं कहा कि नरेंद्र मोदी जासूसी करा रहे हैं भारतीय सेना की, इनके जम्मू कश्मीर से पकड़े गए थे, हर महीने एक दो अपराधी की फोटो इनके बड़े नेताओं के साथ आती है। तो हमने तो कभी नहीं कहा कि आप छोड़ते तो नहीं है, आरोप तो आप भी लगाते हैं। आज ये बात जरूर है कि वो आपके नेता के साथ है तो आप उसको डिफेंड कर रहे हैं, आरोप लगाने से पीछे नहीं हटते ना, ना आरोप तो आप भी लगाते हैं। विवेक जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, विवेक जी आपका भी स्वागत है इस चर्चा में जननायक जनता पार्टी की तरफ से। विवेक जी, एक तो चुनाव प्रचार हम लोग देख रहे हैं बड़ी स्पीड के साथ चल रहा था, आज चुनाव प्रचार का शोर थमा, लेकिन उस शोर के थमते ही ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई दीपेंद्र हुड्डा के साथ, अब एक फोटो दिखा दी गई, ये भी बताया गया कि भाई मोबाइल में उनका नंबर भी मिला, और अब ये कह रहे हैं कि भाई ड्रग डीलर के साथ क्या संबंध है, जरा इसको कांग्रेस स्पष्ट करे, कैसे इसको देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को आप? विवेक जी, हर्ष भाई, कहीं ना कहीं आज देखा जाए जो फैक्ट्स आए हैं, जो कॉल डिटेल्स दिखाई गई हैं, उससे तो सारी चीज साफ हो, और आज कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ। अभी पिछले दिनों जब टिकटों का वितरण हुआ, बहुत से ऐसे नेता थे जिनके ऊपर एनडीपीएस एक्ट के मुकदमे दर्ज हैं, उनको सजा तक हो चुकी है, उनको कांग्रेस ने टिकटें देने का काम। हम तो ये देखते हैं कि आज के दिन अगर कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों ही इस चीज से अछूती नहीं है। आज मैं तो सराहना करूंगा हमारे नेता दिग्विजय सिंह चौटाला जी, डब वाली जहाँ बॉर्डर टचिंग एरिया है वहां पे आयास संस्था के साथ मिलके वहां नशा मुक्त करने की पहल उन्होंने की, और बहुत मजबूती से आयास संस्था और दिग्विजय चौटाला जी मिलके को सफल भी बनाने का काम कर रहे हैं एक पहल को, और ना केवल वहीं तक सीमित रहेंगे, पूरे प्रदेश में ये पहल करने का काम हमारी पार्टी कर रही है। आज अगर पिछले दिनों की हम बात उठा लें तो भारतीय जनता पार्टी के एक जिला अध्यक्ष के बेटे भारी मात्रा में नशा के साथ पकड़े गए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के बेटे इस कंडीशन में चंडीगढ़ में पकड़े गए थे, वो सबके सामने। आज कांग्रेस वाले उठा लो चाहे भारतीय जनता पार्टी वाले उठा लो, दोनों का मिला जुला सा काम है। और मैं तो ये कहता हूँ आज ये जो पकड़ा गया है तुषार मेहता, उसको उसको अगर भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में साफ करते हैं तो वो साफ हो जाएगा, कोई दिक्कत। आज हालात ये हैं, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी समस्या है नशे की, और नशा तस्करी तमाम नहीं। विवेक जी, ये तो यही इसीलिए मैंने शुरुआत करी आज इस चर्चा की, क्योंकि हरियाणा में मुद्दा अगर कोई सबसे बड़ा मुझे इस समय दिखा तो वो नशा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि यूथ को आपको पूरी तरह से इससे सेव करना है, क्योंकि हरियाणा में नशा एक बहुत समस्या बड़ी बन रहा है। लेकिन अब चुनाव के ठीक मुहाने पर जब 5 तारीख को वोटिंग होनी हो, इस तरीके के खुलासे क्या राजनीतिक तौर पर आप इसको देखते हैं, या वाकई में आपको लगता है राजनीति से इतर कम से